हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश का मौसम है। ये देखिए, बारिश में सारा फर्श भी गीला हो गया है क्योंकि ये पूरा उधर तक खुला है। और देखिए, बारिश का मौसम अच्छा भी लगता है और ठंड बढ़ गई है फिर से दोबारा से, क्योंकि कई दिन से जो है धूप अच्छी निकल रही थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है, आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, और वो क्यों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो मैं आपको बताती हूँ मैं खुश क्यों हूँ आज। नंबर एक बात, सबसे पहली बात ये है कि मेरा वीडियो मेरी एक फ्रेंड रीना आर्या के नाम पर है, जिसने मुझसे साल 2002 में, मैंने 9th की थी तो 9th में हम लोग एक साथ पढ़ते थे हम दोनों। तो उसने मेरा वीडियो देखा है और मुझे कमेंट भी किया है, और उसने ये भी बोला है कि अगर तुम्हें मैं याद हूँ तो मुझे मेरी वीडियो में नाम लेकर जरूर बताना। नहीं, मुझे याद है, रीना आर्या मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, हम दोनों एक साथ ही रहते थे। तो मैं आपको बताऊं, आपको कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं वही बबली हूँ जो अनीता के साथ छछरपुर में रहती थी और वहीं पर पढ़ती थी, और इंटर जो है मैंने वहीं से की है। 9th क्लास से लेकर इंटर तक जो है मैं वहीं पर पढ़ी हूँ। आपको बताऊं तो मैं वही बबली हूँ, लेकिन आपकी मेमोरी इतनी वीक नहीं है जितनी मेरी। मौसम बादल वाला है और देखिए बारिश हो रही है, अभी कम कम सी हो गई है लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत तेज थी। तो आज का ये वीडियो जो है मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ, शाम का टाइम। और आज का रूटीन जो है आप हमारे दूसरे चैनल पाल फैमिली व्लॉग में देख लीजिएगा। तो गाइज, ये देखिए, ये वाला वीडियो मैंने कई दिन तक शूट किया है क्योंकि यहाँ पर माँ जो है ये इस चूल्हे को उठा रही है क्योंकि ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और इसके छोटे छोटे ही टुकड़े कर कर ही उठाना पड़ेगा। एकदम तो ये नहीं उठेगा क्योंकि इसमें वजन होता है। ये यहाँ से इन्होंने निकाल दिया है क्योंकि इसकी मिट्टी जो है पूरी तरह से आग में जलने की वजह से ख़राब हो चुकी है। और इसमें ये देखिए, ये इसके जो पीस पीस से दिख रहे हैं, टुकड़े टुकड़े से उतर कर गिरते रहते हैं जब हम इसके ऊपर पतीली या कुकर रखते हैं चूल्हे के ऊपर। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर तो डेली रूटीन जो होता है वो चूल्हे पर ही खाना पकता है, यही हमारा डेली रूटीन होता है दोनों टाइम का। तो ये वाला चूल्हा जो है निकाल दिया, ये देखिए लाल लाल सा हो रहा है अंदर से ये पूरा, तो इसी वजह से इसके ये टुकड़े से निकल निकल कर गिरते रहते हैं। और ये वाला चूल्हा उठाकर माँ ने जो है टुकड़ों में करके वहाँ पर मिट्टी डाल दी है, और ये मिट्टी यहाँ पर डाल दी है जो इसके टुकड़े हैं पशुओं के नीचे, क्योंकि इसे अच्छी तरह से ये टुकड़ों को जो है बारीक कर देगी, किसी चीज़ की मदद से फोड़ देगी इन टुकड़ों को। और ये यहाँ पर इन्होंने देखिए इस तरीके से इसे निकाल दिया है क्योंकि एकदम से इसे नहीं उठा सकते, इसमें वजन होता है। और देखिए यहाँ पर ये फेंक दिए हैं सारे टुकड़े, और इन्होंने इस तरीके से इसे ईंट ईंट से फोड़ा है, ईंट में वजन होता है तो इसलिए ये इसे बिल्कुल बारीक कर देगी जिससे कि ये पशुओं को भी बैठने में दिक्कत ना करे। और यहाँ पर इन्होंने गारा जो है कई दिन से भिगो कर रख दिया था, ये अच्छा हो गया है। इसमें गारे में जो है पानी और भूस डालकर रखा था इन्होंने। और आपको बताऊं तो मिट्टी के चूल्हे जो है माई बना सकती है, हम लोगों के बस की बात नहीं है, मुझसे भी नहीं बन पाएगा और हम लोगों से आता ही नहीं है, ना मैं बनाती हूँ ना प्रीति, और जो मेरी बड़ी जेठानी है वो बना लेती है, लेकिन हम लोग तो बना नहीं सकते, हमसे आता नहीं, कैसे बनता है। और ये देखिए, ये स्लेब जो है ये सीमेंट का है जहाँ पर माँ जो है मिट्टी लगा रही है सबसे पहले, ये भी गर्म चीज़ की वजह से, मतलब आग की वजह से ये भी पूरा टूट चुका है, लेकिन इसे ये अच्छे से कर देंगी मिट्टी लगाकर, इसका पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर चूल्हा बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। कई बार मुझे कमेंट्स आए थे कि चूल्हा कैसे बनता है ये ज़रूर दिखाओ, तो ये देखिए हमारे यहाँ का जो है ये मिट्टी का चूल्हा जो है ख़राब हो चुका था, इसके ऊपर से कुकर भी नहीं आता था क्योंकि ये अंदर से टूट चुका था पूरी तरह से, और टूटा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए माँ कहने लगी कि मैं इसे उठाकर दूसरा यहाँ पर बना देती हूँ, और देखिए किस तरीके से ये बना रही है,
आप सभी ध्यान से देखिएगा, जो जो कह रहे थे कि हमें ये चूल्हा बनाकर दिखाओ, मिट्टी वाला कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग ईंट भी रख कर बनाते हैं, जैसे इन्होंने मिट्टी रखी है ये ईंट भी बनाकर, ईंट रख कर भी बना देते हैं और ईंटों के ऊपर मिट्टी भी लगा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ मिट्टी मिट्टी का बनता है। और ये चूल्हा जो है कई दिन में पूरा होता है, जब तक इसका ये एक पार्ट सूख जाता है, थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। और ये देखिए इस तरीके से बनता है चूल्हा। जब इसका एक पार्ट थोड़ा सा सूख जाएगा, टाइट सा हो जाएगा, तो इसके बाद इसका दूसरा पार्ट लगाना शुरू करेंगी अगले दिन। और इस तरीके से इन्होंने इसका एक पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाती है, कितना साफ हाथ है इनका। ये देखिए आज ये दूसरा, अगला दिन जब हुआ ये थोड़ा सा सूख चुका था, तो इन्होंने दूसरा पार्ट इसका बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि दोबारा इसके ऊपर मिट्टी लगानी शुरू कर दी। ये देखिए मिट्टी यानी कि गारा जो भिगो कर रखा हुआ था, ये दूसरा पार्ट इसका शुरू हो गया है। थोड़ा सूखता रहता है और इसके ऊपर ही मिट्टी लगाते रहते हैं इस तरीके से, जैसे नीचे से स्टार्ट किया था ऐसे ही लगाते हैं। और चूल्हे हरे तो बनाने में माँ का हाथ एकदम माहिर, माँ भी माहिर है मैं बताऊँ तो, बहुत अच्छे बनाती है। इन्होंने पहले भी कई सारे चूल्हे बनाए हैं। और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखना कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छे बनाती है। क्योंकि पहले यहाँ पर जहाँ पर हमारा चूल्हा रखा है मिट्टी का, तो यहाँ पर हमारी एक कच्ची रसोई थी, वो भी इन्होंने अपने हाथों से ही बनाई थी, लेकिन वो तोड़ दी क्योंकि मिट्टी की रसोई जो है कच्ची रसोई को पसंद नहीं करता है, तो इसलिए उसे तोड़वा दिया था, कड़ी थी उसके छत में। और ये देख रही है दूसरा पार्ट इसका बन गया है, और इसे भी अच्छे से कंप्लीट कर देगी दूसरे पार्ट को भी। और ये मैं कई दिन से वीडियो शूट कर रही थी, मैं आपको बताऊँ तो, ताकि मैं इसे पूरा एकदम से बनाकर दिखा सकूँ, क्योंकि एक एक पार्ट अगर दिखाती तो किसी को समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरा ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब तक का मैं इसे बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए अब ये तीसरा पार्ट इन्होंने इसमें जोड़ दिया है, जो ऊपर तक बन जाता है, जैसे बराबर साइड में रखा हुआ है। देखिए ये भी ख़राब हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तब तक ये तैयार होगा तो इस पे हमें खाना बनाना ही पड़ेगा। और अभी इसके जो ये हैं दो तीनों पार्ट जो हैं अभी बारीक बारीक से दिख रहे हैं, लेकिन इस पे अंदर की साइड गारा लगेगा, नहीं तो ये अभी चौड़ा लग रहा है देखने में, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। और जब ये कंप्लीट होगा अंदर से इसमें बहुत सारा भी गारा लगने वाला है, यानी कि ये मिट्टी जो इन्होंने भिगो कर रखी थी, ताकि इस पे बर्तन जो है अच्छे से आ जाए। अभी तो ये पतीली भी नहीं आएगी इसके ऊपर, क्योंकि हमने देख लिया था चेक करके। और देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया है, और नीचे की वो है हिल भी नहीं रही है। ये तीसरा पार्ट है इसका, तीन पार्ट में ये बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर आई है इनके पास बैठने वाली एक ताई जी, जो हमारे पड़ोसी है। ये देखिए ठीक है, केको की लाइन लग रही चार दिन आए, एक कुत्ता पहले लेगी थी पाँच, अयोध्या छह जगह तक एक आ गया की।
वो भी नहीं लगा था, तीन चार चार पाँच नहीं लगा था। अब खाली तो कोई आता नहीं, खेल खिलौने भी लगाया है। कहीं कहीं है चूल्हा, माँ चूल्हा बना रही है। जब जूते लाठ आ गए इसे जेब में गेर के पता इसे तब चुनना लगेगा पिछले कल ही सब आयो आओ और इन इंगे दिखाई होगी और जहाँ जा के रही है वहाँ लगेगा अंदर को लगेगा जितना ली सब आयो आओ बन गया क्या बस अब तो कर डालेगा जेब में होगा इसका काम जो अनकम्प्लीट था काम आज उसे माँ पूरा कर देगी। इसमें कुछ काम रह गया था, मिट्टी लगनी रह गई थी और इसमें क्योंकि उस टाइम पे गारा ख़त्म हो चुका था जब ताई जी बैठी थी। और अगले दिन देखिए इन्होंने ये बना दिया है और इसमें अच्छे से इसकी सफाई सी भी करती है हाथ फेर कर मिट्टी का और पानी का। और ये साथ के साथ जो है मिट्टी को दबा दबा कर देखिए इस तरीके से पानी भी लगाती रहती है जिससे कि अच्छे से अच्छा दिखने लगे, साफ़ सफाई सी अच्छी लगती है। ये देखिए कितना अच्छा चूल्हा बनाया है इन्होंने। तो गाइज यही था चूल्हा बनाने का तरीका। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।